मैं अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे यहां अभी DSSB और SSB के जो है बैच चल रहे हैं। अभी जो अभ्यार्थी यहां पे मॉर्निंग सेशन में जो है इनको रोड साइन ट्रैफिक सिग्नल का हम टेस्ट लेते हैं, उसके बाद में ड्राइविंग की तैयारी कराते हैं। तो दोस्तों मैं आपको जो है अभ्यार्थियों से परिचय कराना चाहता हूँ। यहाँ पर जो भी आप अपना नाम, राज्य और कौन सी भर्ती, तीन ही बोलना। आपका क्या नाम है जी? सर मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। मैं MP से हूँ, मुरार से, राज्य मध्य प्रदेश, SSB। सर अजय कुमार हिमाचल प्रदेश, SSB। सर अजय कुमार सादुलपुर राजगढ़, SSB। सर मैं बलराम मीणा राजस्थान, DSSB। सर ओम प्रकाश मीणा जयपुर से, DSSB। आपका क्या नाम है? कोमल सिंह, UP से, बुलंद सर। कौन सी भर्ती? SSB। अवधेश सिंह MP मुरैना, SSB। अवधेश सिंह SSB मुरैना, MP। शिवम मालवी मध्य प्रदेश, SSB कॉन्स्टेबल ड्राइवर। पवन तोमर मुरैना, MP। कौन सी भर्ती? SSB। मोहित चौधरी उत्तर प्रदेश, DSSB के लिए। अरे आवाज में दम होना चाहिए। अरविंद कुमार, DSSB उत्तर प्रदेश। आप फौजी बनने के लिए जा रहे हो। लड़ाई हथियार से नहीं लड़ी जाती, लड़ाई जोश से लड़ी जाती है। वेपन सिर्फ साथ देता है, जिसके दिलों में जोश होता है तो वो कभी जो है हार नहीं सकता। आप फौजी बनने के लिए जा रहे हो तो आपके अंदर जो है आवाज में जोश होना चाहिए। अभी मैं अरे फौजी बनोगे, जोर से हाथ उठा के अरे बनोगे। ये सर शाबाश, बहुत बढ़िया। इसलिए आप जोर से आवाज आपकी बुलंदी होनी चाहिए। सतीश कुमार, UP। UP कौन सी भर्ती? DSSB। गुड, बहुत बढ़िया। SSB के लिए सिद्धार्थ वर्मा, UP से, लखीमपुर खीरी। योगेश कुमार भरतपुर राजस्थान, SSB के लिए। अरविंद कुमार यादव, SSB गोरखपुर। राकेश कुमार, DSSB। ये बेंच वहाँ डालो बेटे, उसके पीछे डालो। आपका क्या नाम है? अशोक कुमार जयसिंहपुरा, झुंझुनू। राहुल झुंझुनू से, SSB। ले जोर से बोलो बेटा। राकेश कुमार, DSSB राजस्थान। विनय कुमार, UP। कौन सी भर्ती? SSB। SSB निमेश राजभर, कहाँ से? UP। सुरेंद्र सिंह बिलोड़ा राजस्थान, SSB। अशोक जींद हरियाणा से है ना, DTRBB के लिए। राहुल DSSB जज्जर हरियाणा। संजय यादव वाराणसी, UP से, SSB ड्राइवर के लिए। दीपक कुमार, SSB ड्राइवर उत्तर प्रदेश। प्रदीप कुमार, SSB ड्राइवर UP एटा से। सर मेरा नाम अशोक मीणा है, मैं करौली से हूँ, DSSB के लिए हूँ सर। सो गुड, जो सुना चाहिए आवाज। सर धर्मपाल मोरदिया राजस्थान, DSSB ड्राइवर के लिए। गुड, बहुत बढ़िया आवाज, जोश है बहुत बढ़िया। अमित कुमार, UP, DSSB। अशोक कुमार झुंझुनू से, SSB के लिए। अरविंद बराला राजस्थान, DSSB फायर ऑपरेटर। मैं मध्य प्रदेश से ग्वालियर सिटी से, SSB भर्ती के लिए। ये मान सिंह जी, ये सभी के जो कार्ड चेक करो। अभी जिस आदमी के पास कार्ड नहीं है वो दोपहर में जो है 1600 मीटर दौड़ेगा। डिसिप्लिन रखना जरूरी है। यहाँ से चार बार वहाँ तक इनको दौड़ाना, कार्ड क्यों नहीं लेके आते? हाँ प्रमोद हनुमानगढ़, DSSB। लाल सिंह हरियाणा, DSSB। अमित कुमार रेवाड़ी हरियाणा, DSSB। ललित कुमार गाजियाबाद, DSSB। लोकेश वर्मा, DSSB राजस्थान। चौहान कर गुजरात से, SSB के लिए आया। मुकेश कुमार चौधरी राजस्थान, DSSB। जोर से बोलो। सौरभ कुमार यादव उत्तर प्रदेश, SSB। विवेक उत्तर प्रदेश, SSB। अजय सोलंकी, DSSB। धर्मवीर गोठवाल जयपुर राजस्थान, SSB। इंद्रजीत सिंह यादव, SSB UP से। स्टेट बताओ। मारा सिंह राजस्थान भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से, DSSB। धर्मेंद्र भरतपुर राजस्थान, DSSB। आकाश वर्मा कानपुर उत्तर प्रदेश, SSB। शुभम शुक्ला सिंचाई विभाग वाराणसी। सरवन गोस्वामी सिंचाई विभाग वाराणसी। मोहित रुल हरियाणा जज्जर, SSB के लिए। गणेश नाम चौधरी हरियाणा से, DSSB। सोमरा अभी नजदीक भी आ जाओ, दोनों सारी चीज़ आ जाए। राहुल राजस्थान से, SSB के लिए। आपका तो हो गया था ना। सुनील कुमार वर्मा, DSSB। राकेश कुमार, SSB ड्राइवर राजस्थान झुंझुनू। नवीन यादव झुंझुनू, DSSB। आप जितेंद्र कुमार चौरसिया, UP से। इस लाइन का हो गया, इस लाइन का हो गया ना। अरे इसका हो गया है, हो गया आपका। संतु राजस्थान, DSSB। बलराम चौहान झज्जर हरियाणा। मनोज कुमार, DSSB हरियाणा। कौन सी भर्ती? DSSB फायर ऑपरेटर। महेश चंद मीणा अलवर राजस्थान से, DSSB। अजीत सिंह हरियाणा, DSSB फायर ऑपरेटर।
मनोज शर्मा टाउन राजस्थान डीएसएसबी फायर ऑपरेटर। गुड शाबाश। सुरेश कुमार राजस्थान डीएसएसबी फायर ऑपरेटर। जसवंत हरियाणा डीएसएसबी। अजय कुमार झुंझुनू राजस्थान डीएसएसबी। जोनी हरियाणा डीएसएसबी। अनिल कुमार हरियाणा दिल्ली पुलिस। दलबीर हरियाणा डीएसएसबी। राहुल बीजापारी मध्य प्रदेश आगरमालवा। मनदीप हरियाणा डीएसएसबी। भूपेंद्र हरियाणा डीएसएसबी। दोस्तों अभी जो है हमारे यहाँ पर जो है ट्रेनिंग दी जा रही है और मैं बता देता हूँ अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय के अधीनीकृत चलने वाला राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त एक ड्राइविंग इंस्टीट्यूशन है जो पिछली 9 साल से हम ड्राइवरों की भर्ती का ही प्रशिक्षण करवाते हैं। अभी मैं एक उस जो है भाग्यशाली वाहन के मैं आपको दर्शन कराऊँगा कि 7 से तकरीबन 9 साल 11 महीने और कुछ दिन पहले हमने सबसे पहले जो है पहल किया था 2012 कांस्टेबल ड्राइवर सीआईएसएफ की भर्ती से, उससे हमने ये एक मिशन चालू किया था कि किस हिसाब से जो है बच्चों को ड्राइवरी टेस्ट की तैयारी करवाई जाए और क्यों जो है अभ्यर्थी ड्राइवरी टेस्ट के अंदर एक बेहतर प्रशिक्षण की वजह से जो है अपनी भर्तियों का चांस खो देते हैं, क्योंकि हम भी खुद जो है रिक्रूटमेंट में रहे थे, बहुत सारे बच्चे गलती करते थे और वो जो है इसके अंदर में फेल हो जाते थे और वैकेंसियां खाली जाती थी। तब हमने ये पहल चालू की थी कि हम जो है बच्चों को इस प्रकार का गुणवत्ता जो है प्रशिक्षण दें। 2012 में हमने इसको चालू किया था और जल्द ही आप जो सबसे फर्स्ट जो हमने गाड़ी ली थी उस गाड़ी का भी जो आपको बताएंगे। जुड़े रहिए इस अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर परिवार से, तब से लेके हम इसको छोटे रूप पे जो है बच्चों को सिखाते गए। बोलते हैं कि पहचान किसी की मोहताज नहीं है, आप कर्म करते रहो, कदम आपके रुकेंगे नहीं, दुनिया अपने आप स्वयं ज्ञान के पीछे और आपकी योग्यता के पीछे नहीं चलेगी, आपके साथ चलेगी। और इसी मकसद पे और इसी उम्मीदों पर आज अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का भारत के अंदर सबसे बड़ा यूट्यूब परिवार है। आज 1,15,000 के आसपास हमारे सब्सक्राइबर हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर सभी स्टेट्स के जो स्टूडेंट हैं वो आके जो है अपने जो है बचपन में जो वर्दी पहनने के सपने जो बुने थे वो किसी हिसाब से जो है यहाँ पर पूरे करते हैं, क्योंकि ड्राइवर भर्ती जो है एक लास्ट स्टेज होता है। उसमें अभ्यर्थी क्या करते हैं, सबसे पहले आर्मी की उम्र जो है 16 से 21 थी, फिर 17 कर दिया, उसमें ओवरेज होने के बाद बंदे जो है पुलिस में अपना भाग्य आजमाते हैं, फिर सीआईएसएफ और आईटीबीपी अदर सीपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर अपना भाग्य आजमाते हैं और वहाँ भी जब ओवरेज हो जाते हैं तो क्योंकि ड्राइवर की भर्तियों में 30 साल तक जो है मौका मिलता है। और मैं वो जो शख्सियत हैं जो आज देश के अंदर शुरू से जब हमने इस पहल को चालू किया था बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे परिवार से आज जुड़े हुए हैं और वो फैक्ट्रियों में जो है नौकरी करने के लिए चले गए, नौकरी करते थे बेचारे दिहाड़ी पर और बिल्कुल जो है भर्ती होने की उम्मीदें उन्होंने छोड़ दी थी, वो किसी प्रकार से शुरू से यहाँ पे आए और हमने जो है एक दूसरे के, उस समय सोशल मीडिया प्लेटफार्म भी इतना बड़ा नहीं था और हम खुद अपने हाथ से पंपलेन चिपका चिपका के बच्चों को यहाँ ला के जो है हमने उनको प्रशिक्षण दिया और वो आज देश के अंदर कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, देश के अंदर कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे चाहे थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो या पैरामिलिट्री फोर्स हो या देश का अन्य कोई डिपार्टमेंट हो जहाँ यहाँ अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से पिछली जो है लमसम 10 साल ही मानो 10 साल के इस पीरियड के दौरान कोई अभ्यर्थी यहाँ से जो है प्रशिक्षण लेकर उस बल के अंदर जो सेवा कर रहा है। आप ग्लेशियर की पहाड़ियाँ देख लीजिए, देश का उत्तरी पूर्वी और पश्चिमी छोर लगा लीजिए, सेंट्रल छोर मध्य लगा लीजिए, आज आप देख सकते हो लेह लद्दाख की पहाड़ियों के अंदर में आज बीआरओ ग्रिफ के जो जवान हैं बीआरओ में यहाँ तैयारी करके आज वो गौरव के साथ उस जगह जो है माँ भारती की सेवा कर रहे हैं। और आप लगा लीजिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो है उत्तरी और दक्षिणी छोर आप लगा सकते हो, वो जो है वहाँ पर सीआईएसएफ और सीआरपीएफ जो है डिप्लॉयमेंट है वहाँ पर, वो है यहाँ से तैयारी किए हुए अभ्यर्थी वहाँ भी जो है वो कर रहे हैं, यानी उत्तरी
दक्षिणी और पूर्वी छोर आप सियाचिन ग्लेशियर आसाम यहाँ पे आप जो देख सकते हो एएससी के अंदर जो सिविल सप्लाई ड्राइवर की जो भर्ती होती है डीआरडीओ के अंदर हमारे अभ्यर्थी यहाँ पर प्रशिक्षण लेके 9 साल में जो है देश की सेवा कर रहे हैं। उसके बाद पश्चिमी छोर आप लगा सकते हो यहाँ पे गुजरात और जो है डिप्लॉयमेंट एसएसबी वगैरह का जो है बॉर्डर एरिया पे डिप्लॉयमेंट होता है वहाँ पे है। और आप सेंट्रल में लगा लीजिए एयरपोर्ट्स के अंदर में बहुत सारी जो है सीआईएसएफ जो हमारा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है उसकी इकाई के जो जवान हैं वो वहाँ पर जो तैनात हैं। आपको सीआईएसएफ में बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट हुआ है 2012 से लेके और 20 के बीच लास्ट रिक्रूटमेंट 2018 में हुआ था। उसके बाद 447 पोस्ट के बाद अभी तक आया नहीं है। तो जो सीआईएसएफ में जो यहाँ से ट्रेनिंग करके अभ्यर्थी गए हैं वो चाहे एयरपोर्ट ड्यूटी लगा लीजिए या फिर अन्य कोई डिप्लॉयमेंट लगा लीजिए आप उस वहाँ पर इन अभ्यर्थियों को जो है आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा एक परिवार है, बहुत बड़ी हमारी जो है उम्मीद रहती है अभ्यर्थियों को यहाँ आते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनको उस मकसद में हम जो है कामयाब करें और इसी मकसद पे हम जो है काम करते हैं नित नए नए आधुनिक तरीके से जो है इनको जो है बेसिक प्रशिक्षण देने की हम कोशिश करते हैं। हमारे जो ट्रेनिंग स्टाफ है वो दिन रात कड़ी मेहनत इनके साथ ग्राउंड में रह के और इस मुकाम तक जो है वो अपनी जो है तैयारी करते रहते हैं। और अभी डीएसएसबी फायर ड्राइवर और एसएसबी दिल्ली पुलिस और अन्य सिंचाई विभाग यानी देश के अंदर कोई भी ड्राइवर की भर्ती हो हमारे अभ्यर्थी यहाँ पर जो है ट्रेनिंग लेते रहते हैं। तो आप भी तैयारी करते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ उसके बाद जब 2022 के बाद जब हमने इस मिशन को चालू किया था फिर धीरे धीरे इसको जो है कड़ी से कड़ी जुड़ते जुड़ते पहचान किसी की मोहताज नहीं है। उस व्हीकल के भी मैं आपको दर्शन करवाऊँगा जो हमने सबसे पहले जो है बैंक लोन लेके और अपनी सरकारी सैलरी से उसको हमने खरीदा था और आज वो व्हीकल है। जब भी दशहरा और जब भी कोई पूजन होता है तो मैं उसी गाड़ी को अपनी को पूजता हूँ और मैं कई साल तक जो है बाजार भी जाते थे तो उसी गाड़ी के अंदर मैं जाता हूँ। उसकी आप कंडीशन देख सकते हो वो बारिश के अंदर गड़गड़ के मतलब इतनी पुरानी हो गई पर हमने उसको उसका एक भी चीज़ उसको रिपेयर नहीं करवाया क्योंकि वो हमारी एक लक्ष्मी है और इस इतने बड़े ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का एक वो मतलब जन्म स्थल है उस गाड़ी को हम मानते हैं। और उसको मैं जल्द ही आने वाली दिल्ली पुलिस ड्राइवरी के बाद में उस वाहन को मैं विराम दे दूंगा और उसके लिए एक अच्छी सी बड़ा 100 गेज बनाऊंगा शीशे की और उसके अंदर मैं उसको खड़ा कर दूंगा क्योंकि वो हमारे भाग्य की लकीरें हैं और वो बहुत सारे बच्चों की जो है उम्मीदें हैं। और ये वो गार्डन स्टार्ट करके लेके आओ पिकअप ने। दोस्तों ये पिकअप जो सबसे पहले हमने परचेज किया था बैंक से लोन लेके, बात समझ में आ रहा है?